असम के गुवाहाटी में 41 साल का शख्स जिसका नाम जयदीप देव है, वो अपनी बुजुर्ग माँ जिनका नाम पूर्णिमा देवी है उनके साथ एक घर पर रहता था। पूर्णिमा देवी के जो पति हैं उनकी काफ़ी वक्त पहले मौत हो चुकी है, तो उनकी जो पेंशन आती थी उसी से उन दोनों का घर गुजर चल रहा था, दो वक्त की रोटी उसी से चल रही थी। इस बीच काफ़ी दिनों से वो बुजुर्ग महिला जो थी पूर्णिमा देवी, वो दिखाई नहीं दे रही थी। परिवार वाले जो रिश्तेदार थे बाकी, उनको कुछ अंदाज़ा नहीं था क्योंकि वो लोग किसी से मिलते नहीं थे। आस पड़ोस के लोगों से भी ज़्यादा उनकी बातचीत हुआ नहीं करती थी और काफ़ी दिन भी हो चुके थे, महिला का कुछ पता नहीं चल रहा था ना। आस पड़ोस के लोगों ने महिला को काफ़ी दिन से देखा था, बुजुर्ग महिला जो थी। इस बीच जो आस पड़ोस के लोग थे उन्हें अजीब सी दुर्गंध थोड़ी सी महसूस हुई उनके घरों के आसपास। उन्होंने पता लगाने की कोशिश करी तो पता चलता है कि जो बदबू आ रही है वो पूर्णिमा देवी के घर के पास से आ रही है। वो लोग पूर्णिमा देवी के घर पे जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। पूर्णिमा देवी का जो 40 साल का बेटा है जयदीप देव, वो दरवाज़ा खोलता है तो पड़ोसी पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कहाँ है, काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दी है और ये बदबू कैसी आ रही है। जैसे ही पड़ोसी जयदेव दीप से ये बात पूछते हैं तो शख्स बोलता है कि माँ तो मर गई। वो बिना झिझक के सीधा ये बात उन लोगों से बोल देता है कि माँ तो मर चुकी हैं। अब जैसे ही ये बात पड़ोसियों को पता चलती है तो पड़ोसी थोड़ा हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। वो जयदीप दीप से और बात जानने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि कब हुआ, कैसे हुआ और तुमने अंतिम संस्कार कब किया। जयदीप जो है इन सारे सवालों का जवाब नहीं देता। इसके बाद वो दरवाज़ा बंद करता है और घर के अंदर वापस चला जाता है। इस बीच एक पड़ोसी उनके घर की खिड़की में झांक कर देखता है और जब वो झांक कर देखता है तो मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। वो उस घर के अंदर कुछ ऐसा देखता है जिसे देखने के बाद उसके होश फाख्ता हो गए थे, उसकी रूह कांप गई थी। जब उस पड़ोसी ने उस घर की खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो वो देखता है कि एक बिस्तर है, उस बिस्तर पर एक कंकाल पड़ा हुआ है। कंकाल ऐसा जो तकरीबन सड़ चुका है, या यूं कहूं कि एक इंसान की सड़ी गली लाश पड़ी है। और जो 40 साल का शख्स था जयदीप देव, उस लाश को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था। ये मंजर, ये नज़ारा देखकर उस पड़ोसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसकी रूह कांप जाती है, वो थर थर कांपने लगता है। वो फौरन इस बारे में इत्तला पुलिस को देता है। पुलिस को जब इस बारे में जानकारी होती है तो पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है जयदीप के घर पे। पुलिस दरवाज़ा खटखटाती है, जयदीप नहीं खोलता। पुलिस जब सख्ती करती है तो जयदीप दरवाज़ा खोल देता है। पुलिस घर के अंदर दाखिल होती है और जैसे ही पुलिस उस घर के अंदर कदम रखती है मानो उपकाइयाँ उन्हें आने लगती हैं, उन्हें उल्टी आने लगती है, क्योंकि उस घर के अंदर इतनी बुरी बदबू आ रही थी जिसे सूंघना किसी इंसान के लिए बिल्कुल नामुमकिन था। बहरहाल वो मुंह को कवर करके घर की तलाशी लेते हैं तो देखते हैं कि घर के अंदर एक कमरे में बिस्तर के ऊपर एक इंसान की सड़ी हुई लाश पड़ी है। वो तकरीबन लाश गल चुकी थी और इस हद तक गल चुकी थी कि उसे देखकर लग रहा था कि अब बस ही इंसान का कंकाल बचा है, और उसके पास जो है खाने का कुछ सामान रखा हुआ था। पुलिस ये देखते ही जयदीप को हिरासत में लेती है और उसे थाने लेकर जाती है। जब पुलिस जयदीप को थाने लेकर जाती है तो उससे पूछताछ होती है। पुलिस जयदीप से पूछती है कि तुम्हारी माँ की मौत कब हुई। तो जयदीप सिर्फ इतना कहता है कि तकरीबन 3 महीने पहले माँ की मौत हुई है और मैं अपनी माँ को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा था। मैं कंकाल की माँ की कंकाल की पूजा कर रहा था, उसे खाना खिलाता था, उससे बातें करता था और उसे ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा था। मुझे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन मेरी माँ ज़िंदा हो जाएंगी। ये सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान थे कि 40 साल का शख्स अपनी माँ के कंकाल के साथ 3 महीने तक एक घर के अंदर बंद था। जब पुलिस ने तफ्तीश करी, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करी तो पता चला कि जयदीप ज़्यादा अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। तकरीबन 3-4 महीने से उसके घर के आसपास उन्होंने ज़्यादा किसी को देखा नहीं था, ना जयदीप को ज़्यादा घर से बाहर आते हुए देखा और ना ही उसकी बुजुर्ग माँ को उन लोगों ने देखा। जब बदबू आई तो पड़ोसियों को थोड़ा शक हुआ, पूछताछ के लिए, पता करने के लिए कि बदबू क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, पड़ोसी उस घर पर जाके दस्तक देते हैं। और जब दस्तक देते हैं तो जयदीप से पूछा जाता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तो जयदीप सीधा बोलता है माँ तो मर गई। जब पड़ोसी पूछते हैं कि अंतिम संस्कार कब किया, कैसे हुई मौत, किस तरीके से हुई मौत, जयदीप कोई जवाब नहीं देता है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले पर
पुलिस का कहना है कि जयदीप की हालत देखकर लग रहा है कि जयदीप एक मानसिक रोगी है, मानसिक तौर पर बीमार है, उसका इलाज चल रहा है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये वाकई एक माँ की, सबसे पहले तो पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पूर्णिमा देवी की मौत की वजह क्या थी, क्योंकि अभी तक उनकी मौत की वजह नहीं पता चली है। और पुलिस साथ साथ ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पूर्णिमा देवी की मौत के बाद बेटे जयदीप ने ऐसा क्यों किया कि अपनी माँ के इलाज को 3 महीने तक अपने साथ घर के अंदर रखा, उसको रोज़ खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था, उससे बातें कर रहा था। इन लोगों का जो परिवार के लोग हैं उसमें ज़्यादा कोई है नहीं, सिर्फ एक बेटा था और एक माँ था, बाकी जो रिश्तेदार हैं वो घर से काफ़ी दूर रहते हैं। पुलिस ने रिश्तेदारों को इत्तला दे दी है और जो बेटा है जयदीप उसको पुलिस ने हिरासत में लेकर उससे पूछताछ हो रही है, उसका इलाज भी कराया जा रहा है, डॉक्टरों से कंसल्ट किया जा रहा है, साइकेट्रिस्ट को दिखाया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। फिलहाल पुलिस जो है ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पूर्णिमा देवी की मौत की वजह क्या थी। वैसे जांच में ये भी सामने आया कि युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं है, उसकी माँ की मौत कैसे हुई इसका पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है। पूछताछ में जयदीप ने बस पुलिस को इतना ही कहा है कि माँ को जिंदा करने के लिए वो उनके कंकाल की पूजा करता था, उसे यकीन था कि वो एक न एक दिन ज़रूर ज़िंदा हो जाएंगी। इस केस पे जो भी अपडेट आएगी वो तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से एक बेटे ने अपनी माँ की मौत के बाद लाश को 3 महीने तक अपने घर के अंदर बंद करके रखा, उसको रोज़ खाना खिलाता था, उसकी सेवा करता था, उससे बातचीत कर रहा था, इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो भी राय है, आपका जो भी कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।